गुड मॉर्निंग डियर ऑल अवर टुडेज टॉपिक इज मेकिंग वन वर्ड फ्रॉम टू वर्ड्स विच इज लेसन नंबर फोर फ्रॉम योर जी के बुक ओके सो दिस इज़ योर चैप्टर मेकिंग वन वर्ड फ्रॉम टू वर्ड्स ठीक है ना अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें करना क्या है इसमें एक वर्ड बनाना है दो वर्ड की हेल्प से ठीक है ना हमारे पास दो वर्ड्स हैं उसकी हेल्प से हमें एक नया वर्ड बनाना है ठीक है और वो क्या होना चाहिए वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए ऐसे नहीं कुछ भी कि कोई भी दो वर्ड को जोड़ दिया और फिर एक वर्ड बना दिया और जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है वो मीनिंगस है सो so, वो नहीं होता ठीक है ना दो वर्ड जिनको मिलाकर एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो हमें वो पढ़ना है इस चैप्टर में ठीक है तो आपको कितना कितने क्वेश्चन है इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ना तो आपको ऐसे सिक्स न्यू वर्ड्स मिलेंगे ठीक है ना दो वर्ड की हेल्प से मिलेंगे ठीक है अब वो कैसे मिलेंगे आप ये देखो ठीक है चलो एक्सरसाइज में हम आ जाते हैं सीधा और आई होप सब वीडियो ध्यान से देखेंगे ध्यान से समझेंगे और जिसके पास बुक है प्लीज़ बुक ओपन करके बैठिए इफ़ नहीं है सो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके ओके सो करना क्या है सीधा पिक्चर्स विलो एंड जॉइन देयर नेम्स टू फॉर्म अ न्यू नेम ओके वन हैज़ बीन डन फॉर यू ओके देखो करना क्या है कि आपको यहाँ पे टू पिक्चर्स दिख रहे हैं ठीक है ना ये मैंने थोड़ा सा और जूम किया जिसमें आपको क्लियर होगा ओके चलो सो so, ये आपको क्या पिक्चर दिख रहे हैं ठीक है एक पिक्चर ये दिखा एक पिक्चर ये दिखा और जूम करके दिखाती हूँ ठीक है चलो ये मैंने और जूम किया अब ध्यान से देखो एक पिक्चर ये है दूसरा पिक्चर ये है बीच में क्या साइन बना है ये क्या साइन है ये वेरी गुड ये प्लस साइन है ठीक है दैट मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दोनों वर्ड को इन दोनों वर्ड को दोनों पिक्चर्स को क्या करना है जोड़ना है ठीक है ना अब अब आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ तो हमें कोई वर्ड दिख नहीं रहा है यहाँ तो हमें सिर्फ दो पिक्चर ही दिख रही हैं फिर हम कैसे करें इसको सो so, आपको करना ऐसा है कि आपको ये पिक्चर दिखा फर्स्ट पिक्चर दिखा ठीक है ये वाला पिक्चर इसमें क्या हो रहा है ये ये रेन का पिक्चर है ठीक है आपको दिख रहा है इसमें मैं और जूम करती हूँ तो आपको दिखेगा इसमें बारिश हो रही है ठीक है देखो ध्यान से देखा ना सो so, ये क्या हो गया इसका मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग हो जाएगा रेन ठीक है हुआ चलो इसका मीनिंग रेन हो गया अब ये आपको क्या दिख रहा है सेकेंड पिक्चर में देखो ये तो आपको पता है कि क्या है ये प्लस का साइन है ठीक है अब ये आपको क्या दिख रहा है दिस इज कोट ठीक है ये क्या है ये कोट है सो so, अब यहाँ देखो ये क्या था ये रेन था ये कोट प्लस रेन ये मैंने यहाँ रेन लिखा यहाँ मैंने कोट लिख दिया ठीक है ठीक है ना क्या बन गया ये रेन कोट दोनों को ऐड कर दिया क्या बन गया रेन कोट ठीक है अब यहाँ देखो क्या लिखा है यहाँ पे आंसर में सी इज़ इक्वल टू रेन कोट आया समझ कैसे करना है करना ऐसा है कि आपको दो पिक्चर दी हुई है दोनों पिक्चर को ध्यान से देखना है कि वो पिक्चर है किस चीज़ की ठीक है फिर उसी में क्या करना है वर्ड निकालना है हमें किसको हम ये बोलते हैं और सेकेंड इमेज को हम ये बोलते हैं फिर दोनों को ऐड करके देखना है और फिर इससे क्या बन जाएगा न्यू वर्ड बन जाएगा वेरी सिंपल ठीक है ना तो चलो ये आपके साथ मैं करती हूँ फिर मैं आपको हालांकि मेरे पास पूरा आंसर है इसका ठीक है बट चलो मैं आपको इसमें वन बाय वन करके दिखाती हूँ ठीक है ओके okay. देखो अब पहले यहाँ आप खुद का दिमाग लगाओ लास्ट में आपको आंसर मिल जाएंगे ठीक है चलो सो so, अब यहाँ देखो व्हाट इज़ दिस मैंने इसको फिर से जूम किया तो हमारा फर्स्ट तो हो गया ठीक है अब यहाँ देखो ये पिक्चर किस चीज़ का है क्या बना हुआ है ये ध्यान से देखो दिस इज़ सन ठीक है ये सन है क्या लिखा मैंने एस यू एन सन ठीक है हो गया ये अब ये देखो ये क्या है क्या दिख रहा है इस इमेज में बेटा फ्लावर दिख रहा है ना एक फ़्लावर है ठीक है ना फ्लावर का नेम नहीं पता है बट एक फ्लावर तो है ये ठीक है सो so, ये क्या हो गया ये यहाँ देखो ये हो गया फ्लावर ठीक है क्या है ये फ्लावर ओके सो so, अब देखो अब मैच करते हैं ये क्या है ये सन ठीक है यहाँ मैंने लिख दिया फ्लावर प्लस का साइन बीच में ऑलरेडी लगा हुआ है क्या मिलके बन गए दोनों सनफ्लावर क्या वर्ड बन गया सनफ्लावर ठीक है मीनिंग निकलता है ना सनफ्लावर होता है ना तो क्या हो गया ये सनफ्लावर ठीक है अब यहाँ पे हमने लिख दिया भाई सनफ्लावर ठीक है आंसर आपको मिलेगा बेटा पूरा सब आंसर मिल जाएगा आपको लास्ट में पूरा वीडियो देखना आपको वेट करना पड़ेगा ठीक है चलो तो ये हो गया हमारा सनफ्लावर ठीक है ओके अब हम आ जाते हैं थर्ड में आपको दिखा ये थर्ड ओके अब ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे आग जल रही है ठीक है ना इसको मैं और जूम कर देती हूँ जिसमें आपको और क्लियर दिखेगा सी थर्ड देखिए है ना ये क्या हो रहा है यहाँ पे इस पिक्चर में आग जल रही है ना आग लगी हुई है ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे आग जलना मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है फायर ठीक है एफ आई आर ई फायर ओके अब ये कौन है अब भाई इसका नेम मुझे नहीं पता कि ये पर्सन है कौन इसका नेम मुझे नहीं पता ठीक है ना इनका नेम मैं नहीं जानती कि ये कौन है सो so ये क्या है ये आपको एक दिख रहा ना एक मैन है ठीक है ना क्या है आदमी देख रहा है एक मैन है ना तो कौन है ये यहाँ पे कर दिया मैंने मैन ठीक है क्योंकि ये मैन ही है ठीक है so, सो ये क्या था ये था फायर फायर ओके ये ये हो गया मैन सो so, प्लस कर देंगे दोनों को तो फायर मैन ओके ओके अब आ जाते हैं हम फोर्थ में फोर्थ क्या है फोर्थ इमेज आप देखो अच्छे से ये क्या दिख रहा है आपको बहुत ध्यान से देखो और आप उसका नेम बहुत अच्छे से जानते हो ठीक है क्या बोलते हैं इसको दिस इज़ हनी क्या है ये हनी है ना शहद ठीक है ये हो गया हनी ओके okay. बीच में प्लस का साइन तो आपको दिख ही रहा है अब ये कौन है ये कौन दिख रही है आपको ध्यान से देखो घर में कभी कभी आ जाती है और काट देती है तो हालत ख़राब हो जाती है है ना सो so, कौन है ये ये है बी ठीक है बी हिंदी में क्या होता है मधुमक्खी ठीक है इंग्लिश में बी ओके सो so, ये हो गया हनी ये हो गया हनी और ये मैडम हो गई बी ठीक है दोनों ने मिलके क्या बना दिया हनी बी ठीक है क्या वर्ड बन गया हनी बी ठीक है ओके बेटा अभी पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक मज़ा आएगी चलो ये आ गया अब हम आ जाते हैं फिफ्थ में ठीक है ये है फिफ्थ अब यहाँ देखिए ये आपको क्या दिख रहा है इस इमेज में क्या देख रहे हो वेरी सिंपल, क्या है ये ये है स्टार लिख दिया मैंने स्टार ठीक है ये हो गया स्टार अब आपको ये इमेज किसकी दिख रही है ध्यान से देखना ज़रा कौन है ये इसको हम क्या बोलते हैं पानी में रहती है क्या होती है फ़िश ठीक है ना? सो so, ये हो गई फिश ठीक है फिश ठीक है ना अब दोनों को साथ में देखो साथ में हमने देखा तो ये है स्टार ये है फिश सो आंसर इज़ स्टार फिश बन गया ना एक न्यू वर्ड बन गया ना स्टार फिश तो ये हमारा बन गया स्टार फिश ठीक है अब आ जाओ लास्ट में ये आपको दिखा ये है हमारा सिक्स नंबर ठीक है सिक्स क्या दिख रहा है आपको इस इमेज में ध्यान से देखो क्या दिख रहा है ये है बटर दिख रहा है ना बटर खाते हो ना ब्रेड बटर वही वाला बटर है ये देखा ये ये हो गया बटर इसकी बात कर रही हूँ मैं ठीक है और ये क्या है ये कौन सी मैडम है यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कौन है ये ये है मक्खी मक्खी होती ना सबके घरों में मक्खी आ जाती है बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है हर किसी के घर में देखने मिल जाएगी मक्खी उड़ती हुई ठीक है ना इसको क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं फ्लाई ठीक है ना बी जो मधु मक्खी होती है उसको हम बी बोलते हैं जो कि ये है और जो सिर्फ मक्खी होती है ना जो नॉर्मली हमारे घर में हमें मिल जाती है दिख जाती है आसानी से सो so, वो क्या होती है उनको हम बोलते हैं फ्लाई जो कि आपको ये लास्ट में इमेज में दिख ही रहा होगा फ्लाई ठीक है so, सो क्या बन गया दोनों मिलके, के यहाँ देखो अब ये क्या था बटर ठीक है और ये क्या थी फ्लाई बटरफ्लाई दोनों मिलने दोनों ने मिलके क्या बना दिया बटरफ्लाई न्यू वर्ड बना दिया ना इसका मीनिंग निकलता है ना बटरफ्लाई क्या होती है तितली होती है ना तितली को हम बटरफ्लाई कहते हैं सो so क्लियर हुआ ओके okay. अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम ने हमेशा तो मैम आंसर लिख के देती हैं स्क्रीन में आज मैम ने आंसर क्यों नहीं लिखे तो मैंने आंसर हैं वो भी आपको मिलेंगे ठीक है अभी वीडियो पूरा देखो मिल जाएंगे मैंने आज ये सोचा कि चलो क्यों ना आपके साथ रह के आपको एक्सरसाइज कराई जाए आप लोग क्या करते हो आंसर देख लेते हो स्क्रीन में आंसर दिख ही रहा है ठीक है आप लोग समझने में ध्यान देते नहीं होगे इसलिए आज मैंने क्या किया आंसर मैं लास्ट में दिखाऊँगी आप अभी हमने साथ में मिलके क्या किया ये चैप्टर कंप्लीट किया और ये वर्ड दोनों को मिक्स करके एक न्यू वर्ड बनाया ठीक है ना चलो अब मैं आपको उसका आंसर शो करती हूँ ओके 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 सो ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे आंसर्स दिख गए ना चलो अब एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ ठीक है फर्स्ट क्या था रेन कोट ठीक है प्लस हो यहाँ पे क्या बन गया रेन कोट ओके सेकेंड हमने क्या पढ़ा सेकेंड ये पिक्चर देखी हमने ये क्या है ये सन है ठीक है ये क्या है ये फ्लावर है सन सन प्लस फ्लावर मिलके क्या बन गया सन फ्लावर बन गया ओके ओके नाउ थर्ड ये क्या बताया था मैंने ये है आग लग रही ना यहाँ पे तो क्या है ये फायर ठीक है इसको फायर बोलते हैं एंड ही इज आ मैन ये कौन है मैन सो फायर प्लस मैन आंसर एज फायर मैन ओके आंसर क्या हो गया फायर मैन ठीक है यहाँ पर आपका आंसर ये है फायर मैन ठीक है ओके नाउ फोर्थ फोर्थ देखिए यहाँ पर यह क्या है पिक्चर में हनी प्लस ये क्या है मधुमक्खी मीन्स बी ठीक है हनी हनी प्लस बी आंसर एज क्या होगा आंसर हनी बी वेरी गुड ओके ओके नाउ फिफ्थ ये क्या दिख रहा है आपको दिस इज स्टार ठीक है स्टार है ना स्टार का पिक दिख रहा है और ये क्या है ये है फिश ठीक है बीच में प्लस का साइन है दोनों को हमने जोड़ दिया क्या बन गया स्टार फिश आंसर इज़ क्या है यहाँ पे आंसर स्टार फिश ओके ओके नाउ लास्ट लास्ट में क्या है ये पिक्चर था बटर का ओके okay. ये है फ्लाई सो बटर बटर प्लस फ्लाई आंसर इज आंसर है बटरफ्लाई ठीक है ये है बटरफ्लाई ओके okay. आपको दिख गया ये ये है बटरफ्लाई ठीक है तो समझ में आ गया ना हमने इस चैप्टर में किया क्या आपके पास दो पिक्चर थी बीच में प्लस का साइन बना हुआ था दोनों पिक्चर का पहले सबसे पहले आपको नेम बताना था कि इसको कहते क्या हैं फिर उन दोनों के नाम को प्लस के साइन के साथ जोड़ देना था ठीक है ना जैसे सन प्लस फ्लावर तो क्या बन गया सन फ्लावर हमें क्या एक न्यू वर्ड मिल गया ठीक है ना दो वर्ड को जोड़ के हमने एक न्यू वर्ड बनाया जो कि ही नहीं था मीनिंगफुल वर्ड बना ठीक है ना, ओके सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है चैप्टर नंबर फोर ठीक है इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ओके और इफ आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको शेयर कीजिए ठीक है ना जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपके जैसे और भी बच्चे हैं तो उनको भी हेल्प होगी उनकी स्टडी में ओके okay, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर थैंक यू